अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताजी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज की ये वीडियो हमारी सीटी की जॉब्स जो हैं, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो डिपार्टमेंट है, पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसकी तरफ से अनाउंस की गई हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी चैनल पे ऐड कर चुका हूँ। आप वहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स जो हैं मैंने बताई थी कि कितनी सीट्स हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए ये वैकेंसीज आई हैं, और जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी, मींस के एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन, इंटरव्यूज और फाइनल ऑर्डर जो हैं वो कब अनाउंस हो रहे हैं, कब जो है उसकी लिस्ट हाईलाइट की जाएगी, उसके अलावा सैलरी कितनी है, किन किन सब्जेक्ट्स के लिए हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में हैं, इंटरव्यू क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ये सारी डिटेल डिस्कशन जो है हम इससे पहले एक वीडियो मैंने अपडेट की है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उस्ताद जी ऑनलाइन पर जाके आप उसको देख सकते हैं। एक आज की ये वीडियो जो है ये भी सीटीआई से रिलेटेड है। इसमें मैं डिस्कशन करूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो जारी किया गया था 1 जनवरी 2021 को, और ये रिलेटेड था सीटीआई की जॉब से। अब इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट भी किया हुआ है, साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूँ। ये सीटीआई जो हैं ये बेसिकली कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स हैं, और ये जो लेक्चरर की सीट्स वेकेंट होती हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, उनको टेंटेटिवली या टेम्परेरी तौर पे फिल करने के लिए कॉलेज टीचर इंटर्न लगाए जाते हैं। अब अगर इस नोटिफिकेशन में देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 3000 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स के लिए जो है ये वैकेंसीज आई हैं, और ये कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स जो हैं ये 4 मंथ्स के लिए हायर किए जाएंगे। यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट भी किया हुआ है। अब इस वैकेंसी के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर बीएस कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर आपके पास मिनिमम जो है एमएस, एमफिल और पीएचडी रिक्वायर की गई है, लेकिन साथ ये भी मेंशन किया गया है कि इफ़ नॉट अवेलेबल एमए, एमएससी में बी कंसिडर्ड। अगर वहाँ पर एमएससी या एमफिल और पीएचडी के लोग अवेलेबल नहीं है टीचिंग के लिए, तो वहाँ पर एमए, एमएससी को कंसिडर किया जाएगा। बाकी जितने कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आते हैं, वहाँ पर आपको कॉलेज टीचिंग इंटर्न लगने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री या बीएस 4 इयर्स होनी चाहिए, और उसमें आपकी कम से कम डिवीजन जो है वो सेकंड होनी चाहिए। अब इस जॉब के लिए या इस वैकेंसी के लिए जो क्राइटेरिया है, उसमें आपकी मार्क्स कैलकुलेशन किस तरह होगी तो मैं बताता चलूंगा। टोटल मार्क्स 100 होंगे, उनमें से 85 मार्क्स जो हैं आपके एजुकेशनल रिलेटेड हैं, 5 मार्क्स आपको अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उससे हायर क्वालिफिकेशन है, लाइक 18 ईयर एजुकेशन है आपके पास या पीएचडी है, तो 5 मार्क्स उसके दिए जाएंगे। फिर इसके अलावा जो है, जो अगर आपने बोर्ड या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपने कोई डिस्टिंक्शन हासिल किया है, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लिया है, तो उसके लिए भी 5 मार्क्स रखे गए हैं। इसके अलावा 5 मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के होंगे, जो कि इंटरव्यू पैनल को अगर आप सेटिस्फाई कर पाते हैं तो वो अपनी स्वाबदीद से आपको 5 नंबरों में से कितने भी नंबर चाहे दे सकता है। इंटरव्यू में आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो आपसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप टीच करने चाह रहे हैं उसके लिए छोटा सा डेमो प्रेजेंटेशन भी आस्क कर सकते हैं, जो कि आपको देनी होगी। स्टाइपेंड की अगर बात करें तो इस जॉब के लिए 45,000 जो है वो स्टाइपेंड अनाउंस किया गया है, जो कि पर मंथ आपको दिया जाएगा। The disbursement of stipend shall take place strictly through cross-check or bank accounts of selected CTIs. और इस जॉब के लिए चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, जॉब के लिए आपकी एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज का बंदा जो है अप्लाई कर सकता है। पीरियड ऑफ प्लेसमेंट जो है वो जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया है कि इसके लिए 4 मंथ्स का जो है वो प्लेसमेंट पीरियड है टिल द अराइवल, या इसके अलावा दो इन्होंने यहाँ पर कंडीशन रखी हैं कि 4 मंथ होंगे या जैसे ही कोई, जब तक नए लोग जो हैं वो हायर नहीं हो जाते लोगों को जिन्होंने लेक्चरर की सीट्स पे आना है। यहाँ पर लिखा हुआ टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर इनकमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो गया वहां तक आप जो है वो टीचिंग करेंगे, लेकिन नॉर्मली जो है इसके लिए जो पीरियड अनाउंस किया गया है वो 4 मंथ्स का ही है। फिर लीव जो है, लीव की जो क्राइटेरिया है, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, तो लीव्स का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने 2 कैजुअल लीव्स पर मंथ आपको लो हैं। ये रेगुलर लीव्स जो होती हैं वीकेंड पे, जिस तरह संडे की 4 लीव्स आ जाती हैं मंथ में, उसके अलावा यानी कि मिला के आपके पास जो है वो 6 लीव्स जो है वो बन जाएंगी इस तरह।
उसके अलावा आपको इन जॉब्स के लिए आने पे या इंटरव्यू के आने के लिए कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉलेज में आपको प्लेस किया जाएगा, प्योरली टेम्परेरी है। इसमें एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे की जाती है। आपको सिलेक्शन कमेटी जो है वो अगर आपकी परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री रहती है तो वो आपको जो है वो टर्मिनेट कर सकती है। ट्रांसफर द प्लेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट एंड कॉलेज स्पेसिफिक। ये किसी कॉलेज में जहां पर आपने इंटरव्यूज वगैरह दिए गए हैं वहां पर आपको प्लेस किया जाएगा। इन केस अगर आपने किसी भी किस्म की कोई बोगस डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं या आपने कोई भी किसी भी ऑफिशियल को जो है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला था या जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इस सारी अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व थी उनको जो है वो कोई आपने फ्रॉड करने की कोशिश की है उनके साथ गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के या इस तरह की कोई चीज़ करके तो आपको उसके लिए जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा और हो सकता है आपके अगेंस्ट जो है वो लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाए। अगर आप कोई लॉस करते हैं एम्प्लॉयर का जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगी आपकी एम्प्लॉयर और स्पेसिफिक कॉलेज तो वो आपसे रिकवरी उसकी की जाएगी। ज्वाइनिंग पीरियड जो है द कॉलेज टीचर इन टर्न विल हैव टू ज्वाइन ड्यूटी विद इन 7 days जस्ट जब उनको ऑर्डर ऑफर ऑफ प्लेसमेंट जो है वो इशू की जाएगी उसके 7 दिन के अंडर जो है वो आपने कॉलेज को ज्वाइन करना है जहाँ पर आपको CTA अपॉइंट किया गया है। आपके लिए रेगुलर अपॉइंटमेंट का कोई सीन नहीं है। ये नहीं आपने सोचना कि यहाँ पर हमारी रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जिसके तहत CTA हायर किए जाते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपको इशू किया जाएगा जब आपका ये टेन्योर 4 months का कंप्लीट हो जाएगा। CTI को कोई राइट नहीं है वो किसी भी किस्म की यूनियन जो है वो फॉर्म करे या एसोसिएशन बनाए कि हमें अपनी मांगे जो है वो पूरी करवाने के लिए। The procedure will to be followed by the department is as under कि आपका selection procedure जो है वो किस तरह चलेगा। ये उन्होंने बताया हुआ है कि पंजाब में इसको एक नीड के तहत जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है उसके तहत जो है वो CTI को हायर किया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट जो है वो इसकी 6 January को की गई है। अब प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन जो है उसकी यहाँ पर कंप्लीट डिटेल बताई गई है कि लिस्ट ऑफ जो एक कंप्लीट प्रोसीजर है वो अगर इस तरह फॉलो होता है तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेजेस को करना भी चाहिए कि आप जो है वो कॉलेजेस में जाएं और कॉलेजेस को चाहिए कि वो 13 January 2021 तक जो भी उनके पास वीकेंड पोजिशन है उनकी लिस्ट जो है वो अपने नोट्स बोर्ड पर भेजा करें और फिर जो कैंडिडेट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं इस सीट्स पर अप्लाई करने वाले 14 और 15 January तक अपनी एप्लीकेशन जो है वहां पर कॉलेजेस में सबमिट करवा सकते हैं। फिर कॉलेजेस जो है वो 17 January को उनकी लिस्ट जो है वो जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई होंगी अपने नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे और फिर कंप्लेंट या अपनी ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए 18 और 19 जनवरी जो है उसकी डेट दी जाएगी और उसके बाद जो है 20 January को फाइनल लिस्ट जो है वो प्लेस कर दी जाएगी नोटिस बोर्ड पे। इसके बाद जो है वो इंटरव्यूज होंगे 21 से लेकर 23 तक और जो लोग सक्सेसफुल होंगे इंटरव्यूज में उनके नाम जो है वो कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड पे 25 जनवरी को लगा दिए जाएंगे। इसके बाद 25 जनवरी से लेकर आपको कुछ दिनों के लिए जिस तरह यहाँ पर कंप्लीट डिटेल बताई गई है कि आपको अपनी कोई किस तरह कोई भी किस्म के अगर आपको मसाइल हैं तो उनके रिड्रेसल के लिए आपको वक्त दिया जाएगा और उसके बाद जो है द डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब लाहौर विल बी द फाइनल अथॉरिटी फॉर एड्रेसिंग द कंप्लेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम 28 to 29 January। 29 January तक आपकी कंप्लेंट जो हैं लाइक आपके मेरिट में आपको लगता है कोई इशू आ रहा है तो उसकी रिड्रेसल आप करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो 1 February 2021 को फाइनल लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी वो लोग जो फाइनली सिलेक्टेड हैं और फिर इश्यूएंस ऑफ ऑफर ऑर्डर्स के 2 February 2021 को आपको जो है वो फाइनल लेटर जो है वो ऑफर लेटर इशू कर दिए जाएंगे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया कि इस तरह फॉलो होना चाहिए लेकिन नॉर्मली कॉलेजेस ऐसा करते नहीं है। कॉलेजेस ये करते हैं कि वो जब ये अभी अनाउंस की गई हैं तो कॉलेजेस जो हैं वो अपने नोटिस बोर्ड पे बात लगा देते हैं कि हमारे पास ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं जो कि CTA के अंडर फिल होंगी लेकिन मोस्ट कुछ कॉलेजेस नहीं भी लगाते तो इसलिए आप उनके रिसेप्शन डेस्क से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये जो यहाँ पर बताया गया है कि पहले आपकी एप्लीकेशन सबमिट होंगी ऐसा नहीं होता। नॉर्मली कुछ कॉलेजेस ऐसा करते हैं कि जिस दिन आपके इंटरव्यूज हैं लाइक
यहाँ पर 21 से 23 जनवरी तक इंटरव्यूज प्लान है, तो आप जो है वो जिस दिन आपके इंटरव्यूज हैं उसी दिन वहां पर जाएंगे और आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो साथ लेके जाएंगे, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ लेके जाएंगे और आपको उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा और वो आपके डॉक्यूमेंट्स उसी दिन सबमिट कर लेंगे, नॉर्मली ऐसा होता है। और फिर जब उनकी यहाँ पर जो डेट मेंशन है कि उस दिन वो आपकी लिस्ट जो है वो आप अपने नोटिस बोर्ड पे अवेजा कर देंगे। नेक्स्ट जो है कि प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज, जो इसकी वैकेंसीज है सीटी की वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी गई हैं कि 3000 है और इसके जो आपके इंटरव्यू होंगे और सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग शामिल होंगे, एक जो है चेयरमैन होगा, एक मेंबर होगा और एक सेक्रेटरी होगा। चेयरमैन जो है वो नॉर्मली जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया हुआ है उसका प्रिंसिपल होगा और मेंबर जो है वो जो जिस सब्जेक्ट के लिए आपने इंटरव्यू दे रहे हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड बंदा होगा जो कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा और वो इंटरव्यू के जो बोर्ड है उसका मेंबर होगा। फिर जो है वो वाइस प्रिंसिपल या सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द कॉलेज जो है वो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाएगा। इस तरह ये 3 लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। ये जो हमारा क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया है वहाँ वो यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि आपकी परसेंटेज जो है अगर किस दौरान किस जगह पर है तो आपको कितने मार्क्स आएंगे, ये आपकी परसेंटेज और यहाँ पर बताई गई है कि एनुअल सिस्टम में क्या होगी और सेमेस्टर सिस्टम में कहाँ पर वेरी करेगी और उसके अकॉर्डिंग आपके एजुकेशनल मार्क्स जो है कैलकुलेट किए जाएंगे। अब जो हमारे पास मैंने यहाँ पर शुरू में बताया था कि जो अगर आपके पास हायर एजुकेशन है जो कि रिक्वायर्ड एजुकेशन से ज्यादा है लाइक पीएचडी है या एमफिल है तो वहां पर 5 मार्क्स उसके लिए रखे गए हैं। अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको 5 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने आप पीएचडी नहीं है, आपके पास एमएस या एमफिल है तो आपको 3 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब जो पोजीशन होल्डर्स हैं चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से हैं या बोर्ड से हैं तो उनके लिए भी 5 मार्क्स रखे गए हैं। अगर आपने फर्स्ट पोजीशन ले रखी है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने थर्ड ले रखी है तो 3, सेकंड ले रखी है तो आपको 3 मिलेंगे, अगर थर्ड ले रखी है तो आपको 2 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। फिर यहाँ पर मेरिट क्राइटेरिया बताया गया है बीएस कॉलेजेस के लिए, ये कंप्लीट डिटेल है आप इसको देख सकते हैं। आपके मार्क्स जो हैं वो आपके मार्क्स की परसेंटेज एनुअल सिस्टम या सेमेस्टर सिस्टम में जहां पर आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी अपने मार्क्स जो हैं उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कंप्लीट यहां पर बताया गया, आपने पीएचडी की हो तब कितने आएंगे, बीएस इंटर सारे कैलकुलेशन जो है वो करके यहां पर बताई गई है, इंटरव्यू में 5 मार्क्स हैं, पोजीशन होल्डर के 5 मार्क्स हैं, ये सारी यहां पर चीजें बताई गई हैं। स्टाइपेंड आपको किस तरह जो है वो दिया जाएगा, जैसे ही आपकी टेन्योर जो है वो खत्म होती है तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है यहाँ पर बताया गया है, कंसर्न डायरेक्टर कॉलेजेस कंसर्न विल प्रोवाइड द डिमांड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर पेमेंट टू सीटीआई इन द कॉलेज विद इन 10 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बजट विंग शैल इंश्योर दैट द पेमेंट ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्न। ठीक है, ये यहाँ पर इसको बता दिया गया है कि इस तरह आपको जो है वो आपका स्टाइपेंड जो है वो 10 डेज के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तो व्यूअर्स ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि सीटीआई से रिलेटेड थी और ये नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल मटेरियल यहाँ पर दिया गया है जो कि आपको आपकी सीटीआई पे अप्लाई करते वक्त जो है वो जिसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऐड किया है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अप्लाई करते वक्त उसे यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है और कोई भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो इसका इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे आप लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल्ड वीडियो नहीं थी, इसमें मैंने हाईलाइट्स शो की हैं जिसमें जिस वीडियो का मकसद जो है वो खास तौर पे आपके साथ ये नोटिफिकेशन शेयर करना था जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है सीटीआई से रिलेटेड और इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।